हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्री सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे द एम्प्टी हर्ट पोएम को, जिसके राइटर हैं पेरियासामी थूरन जी, जिन्हें तमिल भाषा के जाने माने प्रख्यात सुप्रसिद्ध शायर, गीतकार, साइंटिस्ट होने के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का कवि का भी दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, वैसे तो यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मेरी कोशिश यह होगी कि जहां तक संभव हो सके मैं आपको पोएट से संबंधित वो सारी जानकारियां देता चलूंगा जो क्लास 10th के ही साथ साथ क्लास 11th, क्लास 12th या किसी भी भाषा के साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी सहायक हो सकती है और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी ये जानकारियां काफी बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। आपकी सहूलियत के लिए आप इस पोएम को बहुत अच्छे से समझ पाए इसलिए हमने इस पोएम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन होगा हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, यानी कि पोएट से संबंधित सारी जानकारियां हम लोग लेकर के चलेंगे पहले सेक्शन में। सेकंड सेक्शन होगा हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, यानी कि काव्य परिचय। विच लिटरेरी डिवाइसेज आर यूज इन दिस पोएम, वट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम एंड वट आर द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स इंक्लूडेड इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया गया है, इसका मीटर क्या होगा, राइम स्कीम क्या होगा और इनमें कौन कौन से ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स को भी हम लोग देख लेंगे। तीसरा और अंतिम सेक्शन होगा हम लोगों का लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन विद समरी, यानी कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन चीजों को एनालाइज करता चलूंगा, एक्सप्लेन करता चलूंगा और चैप्टर के अंत में पोएम का समरी भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पूर्ण प्रयास यह होगा कि पोएट के वर्ड्स को, इस पोएम के समरी यानी कि कविता के भाव को, मर्म को आप तक मैं पहुंचा पाऊं, इसलिए आप बहुत ध्यान से मुझे सुनते रहें और साहित्य का आनंद लेते रहें, कविता का आनंद लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए अब इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट के साथ इस पोएम की शुरुआत करते हैं। पेरियासामी थूरन जी का जन्म 26 सितंबर 1908 यानी कि 26 सितंबर 1908 को मोदा कुरुची तमिलनाडु में हुआ था। ये एक देशभक्त, तमिल कवि, शिक्षक और कर्नाटक संगीत के संगीतकार थे। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही यूज टू पब्लिश ए मंथली मैगजीन नेम्ड पिथन। पिथन नाम की एक मासिक पत्रिका इन्होंने शुरू की थी। ये इतने बड़े देशभक्त थे, देश से इनको इतना ज्यादा प्रेम था कि भगत सिंह के फांसी के विरोध में इन्होंने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम भी नहीं दिया, उनके विरोध में, विरोध प्रदर्शन में अपने एग्जाम को भी छोड़ दिया, अपने करियर को भी नहीं देखा, इतने बड़े देशभक्त थे। He is best remembered today as the editor of 10-volume general encyclopedia in Tamil named Kalai Kazhanjiyam. तमिल भाषा में एक encyclopedia है जिसका नाम है Kalai Kazhanjiyam, उसके लिए इनको जाना जाता है। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन सब का रिलेशन किसके साथ है, तो तमिल भाषा के साथ है। यानी कि जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्द हैं, वो सारे के सारे तमिल भाषा के ही एक अभिन्न अंग है। ही हैज कंपोज्ड ओवर 600 सॉन्ग्स ऑन नेशनल, स्पिरिचुअल एंड मोरल इश्यूज। उन्होंने देशभक्ति पे, देश प्रेम पे, अध्यात्म पे और नैतिकता पे 600 से ज्यादा करीब करीब उन्होंने संगीत को लिखा है, लिपिबद्ध किया है, संगीतबद्ध किया है। महान आदर्शों वाले व्यक्ति होने के साथ ही साथ वो एक महान कवि भी थे, संगीतकार भी थे, शायर भी थे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वह इस बात पर जोर देते थे कि धैर्य के बिना कोई आनंद नहीं है और चिंताओं के बीच कभी कोई संतोष नहीं है। उनके सरल गीतों में भी बहुत गहरे सत्य और अर्थ छिपे होते थे, यानी कि वो जो भी बोलते थे उनके बोली में, उनकी भाषा के प्रयोग में, उनके शब्द संयोजन में बहुत ही गहरा अर्थ, बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ रहता था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर दोज फेमस वर्क्स ऑफ पेरियासामी थूरन जी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम पोएट्री की बात करें
तो पोएट्री में जो उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्क है वो है एलाम थामीझा, दूसरा है मिनालपू, तीसरा है नीला पिंजू और चौथा है पट्टी परावाइगल। अगर हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करें, छोटी छोटी कहानियों की बात करें, तो ये है थंगा चांगिली, पिल्लाईवरम, कलिंगा रायन कोड्डाई, थूरन इजू थोवी या नांगल। अगर हम एसे की बात करते हैं, निबंध की बात करते हैं, तो ये है पोविन सिरिप्पू, कट्टू थिंग चिट्टू। और अगर नाटक की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो ये है अझागु मायाकम, पोन्नीन थ्यागम, एलान थुरावी, मनक कुगाई। और उन्होंने एक 10 वॉल्यूम का इंसाइक्लोपीडिया एडिट किया था तमिल लैंग्वेज में, जिसका नाम है कलाई कझंजिया। और उनके इस सुप्रसिद्ध योगदान के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे, जिनमें पहला अवार्ड है पद्म भूषण जो कि 1968 में मिला था, फिर है कलाई ममानी जो कि 1970 में दिया गया था, फिर ईसाई पेरी पेरारी नर की उपाधि दी गई थी 1972 में, और फिर अन्ना मलाई छतियार की उपाधि दी गई थी 1978 में। तो बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हुए थे, जिनमें ये 4 अवार्ड्स जो है वो नेशनल लेवल का अवार्ड है, और ये उनके संघर्ष के लिए, देश के प्रति प्रेम के लिए, योगदान के लिए, साहित्य को धनी बनाने के लिए मिला हुआ था। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतोष, यानी कि मेरे पास जितना है उतने में ही मैं खुश हूं। ग्लिसन, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, लश्चर, शाइन करना, ब्राइटनेस। पीचर, पीचर का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, जिसको कि हम पॉट भी बोलते हैं। वेसल्स, वेसल्स मतलब यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। डेमन, डेमन का मतलब होता है ए जियंट बॉडी यानी कि राक्षस, जो बहुत ही विकराल दिखता है, इविल। बेड, बेड का मतलब होता है आज्ञा देना, ऑर्डर करना, कमांड करना। सर, सर का मतलब होता है भागना, जैसे वर्क सर्कल, जिसको हम लोग कामचोर बोलते हैं। रेक, रेक का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, या डिस्ट्रक्शन, बर्बाद होना, मलबा या ढेर। ईगर, ईगर का मतलब होता है आतुर, किसी भी चीज की प्रतीक्षा करना, जिज्ञासु, किसी चीज को जानने की उत्सुक होना। एंग्जियस, एंग्जियस का मतलब होता है चिड़चिड़ाना, झल्लाना। जब आप बीमार होते हैं या तनाव में होते हैं तो आप उस समय थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, झल्लाने लगते हैं। शेम, शेम का मतलब होता है शर्म, हया, लज्जा। क्लच, क्लच का मतलब होता है पकड़। आप बाइक वाइक चलाते होंगे तो बाइक में एक तरफ एक्सीलरेटर होता है और दूसरी तरफ क्लच होता है, क्लच का मतलब होता है पकड़। वॉइड, वॉइड का मतलब होता है शून्य, खाली, जहां पे कुछ भी नहीं है। और अगर वॉइड में ए लगा देंगे अवॉइड, तो अवॉइड का मतलब होता है त्याग देना। अब हम लोग चलते हैं पोयम की ओर। पोयम पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इनका राइम स्कीम क्या है और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। आइए देखते हैं। इन दिस प्रेजेंट पोयम द एम्प्टी हर्ट, जो कुराई कुडम यानी कि तमिल पोयम कुराई कुडम था, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है द एम्प्टी हर्ट। इसमें लालच के बारे में बताया गया है, जो आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और अगर आप देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द मैन वॉज रीच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश येल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पा का आई सी क्योरेड। तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, कंटेंट और वेंट, यानी कि एक लाइन का राइम स्कीम क्या होगा, ए और वेंट बी, और फिर से चेंज कर जा रहा है प्रोनाउंसिएशन, प्रेड और एड। तो इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, इसके भावार्थ में। द मैन वॉज रीच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश येल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पा का आई सी क्योरेड। एक धनवान आदमी था लेकिन बहुत ही लालची था, संतोष नाम का कोई गुण उसमें था ही नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, हमेशा बस इसी ताक में रहता, इसी चक्कर में रहता कि उसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाए। उसके पास जो धन फिलहाल है वो रोज दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे और उसके धन में हमेशा वृद्धि होती रहे।
इसलिए कल्पक वृक्ष, कल्प वृक्ष एक होता है जिससे लोग जाकर फरियाद मांगते हैं तो वो पूरा कर देता है, उसे हम कल्प वृक्ष कहते हैं। तो तमिल भाषा में उसे कल्पका कहा गया है, इसलिए कल्पक वृक्ष से सोने से भरा घड़ा मांगता है और उसके लिए प्रार्थना करता है कि मुझे स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ घड़ा प्रदान कीजिए। ऑल आई वॉन्ट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड, मैं क्या चाहता हूं, मैं एक गोल्ड से भरा हुआ पॉट चाहता हूं। His prayer was granted sevenfold, for as a gift to him was given glistening gold in pitcher seven, seven silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. But the tree unkind took into its mind to add an eighth, a half full pot. उस आदमी ने जो प्रार्थना किया था कल्पक वृक्ष से कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सोने से भरा हुआ एक घड़ा चाहिए, तो कल्पक वृक्ष क्या करते हैं, उसके प्रार्थना को, उसके रिक्वेस्ट को, उसके प्रे को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। सेवन सिल्वर पीचर्स वेयर नाउ विद हिम ईच विद गोल्ड कॉइंस फिल टू द ब्रिम, उसको एक घड़ा नहीं दे करके सात घड़ा देते हैं जो कि ऊपर तक सोने से भरा हुआ रहता है। और घड़ा तो सोने से भरा ही हुआ रहता है, घड़ा किस मटेरियल का बना होता है, तो घड़ा भी सिल्वर मटेरियल का बना हुआ रहता है। वो आदमी जो प्रार्थना करता है कल्पक वृक्ष से कि मुझे एक घड़ा दीजिए जो कि स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ हो, लेकिन कल्प वृक्ष खुश होते हैं और उसको चांदी का घड़ा देते हैं जो कि ऊपर तक उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई रहती हैं। कितने घड़ा देते हैं, टोटल के टोटल सात घड़ा देते हैं। अगर हम लोग माने तो हमारा जो जीवन है उसमें सात अंक का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। भगवान जब हमें जन्म देते हैं तो उसी समय वो सात गिफ्ट दे देते हैं और सात प्रकार के उपहार से जो नवाजा है भगवान ने हमें, वही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वही हमारे लिए लाइफ का सबसे अभिन्न हिस्सा है। वो एक ऐसा गिफ्ट है जो हमसे कोई कभी भी नहीं छीन सकता है। मतलब जन्म से मृत्यु तक सात नंबर का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आइए हम लोग देखते हैं, अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सात दिन होते हैं। नवरात्र की अगर बात करें पूजा पाठ में, तो सप्तमी को पट खुलता है, यानी कि जब छह दिन पूरा हो जाता है तो सातवें दिन पट खुलता है, उस दिन हम लोग दर्शन करते हैं। अगर हम लोग सावन की बात करें, भोले बाबा की बात करें, तो सावन सप्तमी को ही हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। अगर शादी की बात की जाए तो शादी में भी सात फेरे होते हैं, सात जन्मों का बंधन होता है। अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक में भी सात प्रकार के सुर होते हैं, सारे गम प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, उल्टा या सीधा कितना सुर होता है, सेवन नोट्स होते हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें, खास करके क्वांटम फिजिक्स की, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेहरे के सात लोग पाए जाते हैं। अगर हम तारों की बात करें तो उसमें भी जो सबसे महान तारों का समूह होता है वो सप्तऋषि होता है, जिसमें सात तारों का समूह होता है। अगर हम लोग भूगोल में नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो उन्हें सात बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम मैथ्स में डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो साधारण तौर पे ये नियम है कि जो अंक दो से, तीन से, चार से, पांच से, छह से, आठ से, नौ से, दस से, ग्यारह से, बारह से, तेरह से, किसी से नहीं कटता है, जाहिर सी बात है कि वो सेवन से डिविजिबल हो जाएगा, सात से कट जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि सात अंक का समावेश होता है और ये समावेशन भगवान ने हमको गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है। विलियम शेक्सपियर को अगर हम लेके चलें तो विलियम शेक्सपियर ने भी एक पोयम लिखा है, द सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें कि सेवन गिफ्ट्स के बारे में बात की हुई है, जो कि पहला जो गिफ्ट होता है वो है बेबी या इन्फेंट, यानी कि हम लोगों की सात अवस्थाएं होती हैं और उस सात अवस्था में सबसे जो पहली प्रथम अवस्था है वो है बेबी इन्फेंट, एक नवजात शिशु। उसके बाद स्कूल बॉय, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि स्कूल जाता हो। उसके बाद है टीनेजर, यानी कि 13 to 19 एज के जितने भी लोग होते हैं उसको टीनेजर कहा जाता है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर टीनेजर इज नोन फॉर लव, जितने भी टीनेजर्स होते हैं उनको लव के लिए, प्रेम के लिए जाना जाता है। और फिर
जो नेक्स्ट आता है स्टेज वो होता है यंग मैन का, यानी कि एक सोल्जर का, सिपाही का। उसके बाद जो नेक्स्ट एज है वो है जज, यानी कि जब आप देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपके कोई भी एक निर्णय से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यक्तिगत प्रभाव क्या पड़ेगा, आपके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें जिस एज में आती हैं उस एज को हम लोग जज वाला एज कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेज है विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग, वो किस चीज का है? ओल्ड मैन का है, एक बूढ़े आदमी का है। और जो सबसे यानी कि सेकंड स्टेज जो है, सेकंड लास्ट स्टेज, वो है एक्सट्रीम ओल्ड एज का, यानी कि एकदम बुढ़ापा, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि जो बूढ़े होते हैं वो बिल्कुल बच्चे के समान हो जाते हैं, यानी कि शुरुआत हमारी जहां से हुई थी वहीं पे हमारा दी एंड हो रहा है। और एक्सट्रीम ओल्ड एज से हम लोग किसकी ओर चले जाते हैं? डेथ की ओर चले जाते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक विलियम शेक्सपियर ने सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नंबर सेवन इन आवर लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में सात अंक का कितना ज्यादा महत्व है, ये सारी चीजों को हमने अभी देखा है। तो यहाँ पे भी थोरन जी क्या कहते हैं कि ये बताते हैं कि एक आदमी था जो कि कल्पक वृक्ष से एक स्वर्ण मुद्रा भरा हुआ घड़ा मांगता है, लेकिन कल्प वृक्ष इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और खुश होकर इसे क्या देते हैं? सेवन सिल्वर पीचर्स फिल्ड विथ गोल्ड, इसे सात प्रकार का चांदी का घड़ा देते हैं, जिसमें कि ऊपर ब्रीम यानी कि पूरा ऊपर तक, उसके गर्दन तक, उसके मुंह तक क्या होता है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई होती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है आपका, बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एट्थ ए हाफ फुल पॉट। और क्या होता है कि जो कल्प वृक्ष होता है वो कहता है कि सात तो घड़ा हम तुमको दे दिए, चलो हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए तुम आठवां घड़ा भी ले लो। लेकिन वो आठवां घड़ा क्या करते हैं कल्प वृक्ष, वो उसको आधा फील करके देते हैं, यानी कि वो ऊपर मुंह तक भरा हुआ नहीं रहता है बल्कि आधा ही भरा हुआ रहता है। अब इंसान की इच्छाओं को देखिए कि वो किस तरीके से अपनी इच्छा को हमेशा बढ़ाता चला जाता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं अनंत होती हैं। एक मनुष्य होने के नाते जब तक आप अपनी इच्छा पे नियंत्रण नहीं रखते हैं तब तक आप अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट संज्ञा बता रहा है कि बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एट्थ ए हाफ फुल पॉट। कल्प वृक्ष क्या करता है, सात घड़ा दे देता है और उसके बाद एक और घड़ा देता है जो कि आधा भरा हुआ रहता है। टू फिल दिस क्विक वॉज हिज थॉट द सेवन फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरवर्ड द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड। अब क्या हुआ कि आदमी ने एक घड़ा मांगा था लेकिन कल्प वृक्ष उसको सात घड़ा दे देते हैं, मतलब छह गुना ज्यादा दे देते हैं, और आठवां घड़ा जो होता है वो क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। अब वो आदमी सोचता है कि ये कल्प वृक्ष कितना ज्यादा निर्दयी है। सोचने वाली बात है कि आपको एक घड़े की जरूरत थी, आपको छह गुना ज्यादा यानी कि सात घड़ा मिल गया, फिर भी आदमी क्या सोच रहा है कि ये जो कल्प वृक्ष है जो देने वाला है घड़ा वो कितना ज्यादा निर्मम है, कठोर है, पत्थर दिल है, निर्दयी है कि सात घड़ा तो भर भर के दिया लेकिन आठवां घड़ा आधा खाली दे दिए। लगता है कि मन से प्रसन्न नहीं है इसलिए आधा खाली करके दे दिए। मतलब मांगा था एक कलश, मिला छह गुना ज्यादा, उस पर उसका ध्यान नहीं है, बल्कि उसका ध्यान किस चीज पे है कि जो आठवां घड़ा है वो पूरा का पूरा क्यों नहीं है, वो आधा क्यों है। और उल्टा क्या कर रहा है वो इंसान कि कल्प वृक्ष यानी कि जो उनको प्रदान करता है, जिनसे वो मांगा है, उसी को वो अनकाइंड बता रहा है, क्रूएल बता रहा है, निर्मम और निर्दयी बता रहा है। वॉज हिज थॉट द सेवन फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरवर्ड। अब वह धनी आदमी जो लालची था, और लालची का क्या गुण होता है कि उसके पास जितना ज्यादा उसको मिलता चला जाए उसकी इच्छाएं उतनी ही ज्यादा बलवती होती चली जाती हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में हाय धन कहते हैं। तो अब वह धनी आदमी जो बहुत ज्यादा लालची था चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये आठवां घड़ा को भी हम भर दें। द सेवन फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरवर्ड। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो सात भरा हुआ घड़ा मिला था उसको वो भूल जाता है,
द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, और ये जो उसकी इच्छा थी कि हम आठवां घड़ा को भी भर देंगे, उस इच्छा ही इसको क्या बना देती है, पागल बना देती है, इसके आंख पे पर्दा डाल देती है। वह बस यही सोचता रहता है कि इस आठवें कलश को, इस आठवें घड़े को हम कैसे भरें। मतलब उस पर इतना ज्यादा पागलपन सवार हो जाता है, उसकी इतनी ज्यादा कुत्सित मनोवृत्ति हो जाती है, लालच उसके बुद्धि को इतना ज्यादा भ्रष्ट कर देता है कि उसको ये भी नहीं दिखता है कि टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड, कि उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सबको वो गुड बाय बोल देता है। यानी कि वो धन के लोभ में इतना ज्यादा परेशान हो गया है, इतना ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है कि उसको ना तो अपना परिवार दिखता है, ना ही उसको कुछ और चीज दिखता है, उसको बस दिखता है ये कि किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, आठवें घड़े को भर देना है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसका अंत समय काफी नजदीक आने वाला था, इसलिए उसके पास जो था उस चीज पे वो ध्यान नहीं देता है, उसको भूल जाता है। लेकिन जो चीज उसके पास नहीं है, यानी कि आठवां कलश जो है, उसको भरने में वो दिन रात लगा रहता है। और यहां तक कि वो अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने माँ, पत्नी, बच्चों सबके बारे में सोचना छोड़ देता है। इतना ज्यादा वो लालच से वशीभूत हो चुका है कि धन के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखता है। He rose before cock crow, past midnight he worked. मुर्गा के बांग देने से पहले वो क्या करता है, उठ जाता है। Past midnight he worked, और मध्य रात्रि तक वो काम करता है। Eating, drinking and sleep he sucked. खाते समय, पीते समय, सोते समय हमेशा वो एक ही चीज सोचता रहता है कि कैसे हम उस आठवें कलश को भर दें। He wrecked his health, his conscience sold. वो अपने स्वास्थ्य को क्या करता है, रेक्ड कर लेता है, बर्बाद करता रहता है। हिज कंसाइन सोल्ड, और उसकी जो चेतना है वो खत्म हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि उस आदमी का मस्तिष्क ऐसा हो जाता है, देहात में हम लोग कहावत कहते हैं ना कि चोरवा का मैया भैंसे भैंसे सपना है। कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में बस वही चीज भरा हुआ है कि मेरे पास इतना ज्यादा धन हो जाए कि हम ये आठवां जो खाली कलश मिला है उसको भी ऊपर तक भर दे। He wrecked his health, his conscience sold and tried all tricks to gather gold. और उस आठवें कलश को पूरा भरने के लिए वो करीब करीब जितना भी ट्रिक्स हो सकता था वो सब अपना लेता है। साम, दाम, दंड, भेद, चोरी, चकारी, डकैती, लूट मार, किसी का खून चूसना, किसी को परेशान करना, किसी को शोषण करना, सभी तरीके के उपाय लगा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, हम क्या करेंगे, उस आठवें घड़े को भर देंगे। एक कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इसी चिंता में क्या होता है कि ही रेक्ट हिज हेल्थ, वो अपना स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेता है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता है, चोरी, बेईमानी, ठगी सब कुछ अपना लेता है, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता है। वो आठवां घड़ा जो है कभी भी नहीं भरता है। कहने का मतलब है कि वो आठवां घड़ा किस चीज को शो करता है, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज को वो डिपिक्ट करता है, डिनोट करता है। तो आठवां घड़ा जो है, हमारे जीवन में जितनी भी चीजें मिली है, बचपन बहुत ही अच्छा एक उपहार दिया है भगवान ने हमें, जो कि बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, सब चीज मिला है। सबसे बड़ा धन क्या है हमारे पास, हमारी अपनी बॉडी है। हम जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे हम उतना ही ज्यादा धनी रहेंगे, लेकिन इस शरीर को भी हम पैसे कमाने के लिए, कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए अपने शरीर को भी हम बर्बाद करते चले जाते हैं। हम ज्यादा काम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, लेकिन हम वो चीज नहीं देखते जो हमें गॉड ने एज ए गिफ्ट दिया हुआ है। ईगर एंड एंसियस ही शेमलेसली टूक ईच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, greed and endless but life is not, nothing is wrong with a half filled purse, tease the void in the heart that is the curse. कहने का मतलब है कि अंत में वही होता है जो नहीं होना चाहिए था।
यानी कि दुख और चिंता से इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो कलश पूर्ण रूपेण भरने में समर्थ नहीं हो पाता है। यानी कि वो इतना ज्यादा कमाता है, इतना ज्यादा धन के लोभ में रहता है कि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता है, दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, अपने परिवार तक को वो छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो आठवां घड़ा जो है क्या है, नहीं भरता है। लालच हमेशा बढ़ता ही गया, लेकिन लाइफ तो जितना मिला है उतना ही रहेगा ना। मान लीजिए कि हमें 60 साल तक जीना है तो हम 60 ही साल जियेंगे, भले हम चाहे कितना भी ज्यादा कमा लें या कितना भी कम कमा लें। मौत तो सर्टेन चीज है, मौत तो आना ही आना है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, अनंत। लेकिन जीवन क्या है, जीवन सीमित है। जब हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी ही होगी, जो कि अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी है वो अमर है, अमर भगवान भी नहीं है, तो आदमी इंसान कहां से हो सकता है। कहने का मतलब है कि जीवन सीमित है, अस्थायी है, आज है तो कल नहीं है। लेकिन ये छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है और लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इतना काम कर लें, इतना ज्यादा कमा लें कि हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहे। और उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम अपनी खुशियों को भी अपने से दूर कर देते हैं। जो भगवान ने हमें उपहार में जो नेमत दिया है, हमारा शरीर, हमारी हंसी, हमारा सुख, हमारा चैन, परिवार के साथ उठना बैठना, मित्र के साथ मस्ती मजाक करना, वो सब चीजों को हम पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। यहां पे बता रहा है कि नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, टीज द वर्ड इन द हर्ट, दैट इज द पर्स। अगर हमारे पास धन नहीं है, जेब खाली है, घर में भी कुछ नहीं है, यहां तक कि बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं है, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारा दिल जो है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अक्सर आप देखे होंगे कि जो अमीर आदमी होते हैं उनका दिल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं वो दिल से बहुत अमीर होते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि जब आप मॉल वॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो आपको एक बैग के लिए क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है 5 रुपया 10 रुपया। लेकिन जब हम लोग सब्जी मंडी में साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो फ्री का धनिया खुद से ही वो दे देता है, आप मांगते हैं तो भी, नहीं मांगते हैं तो भी। तो जो गरीब होता है वो पैसे से भले ही गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर होता है। तो यही यहाँ पे थोरन जी बता रहे हैं अपने पोएम में कि नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, यानी कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, जेब खाली है, पैसा नहीं है, तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारा दिल खाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कभी भी हमें मन को छोटा नहीं रखना चाहिए। अगर हृदय में संतोष है तो हमारा जीवन एक उपहार की तरह है, और अगर हमारे हृदय में संतोष नहीं है तो हमारा जीवन एक श्राप की तरह है, और वो श्राप की वजह से हम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। Thus we conclude that desire is endless. इसलिए ऐसा माना जाता है या फिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी इच्छाएं जो है वो क्या है, अनंत है, एंडलेस है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, बट आवर लाइफ इज लिमिटेड, लेकिन हमारी जीवन जो है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। इसलिए हमें कंटेंट यानी कि संतोष के साथ, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि के साथ रहना चाहिए जितना कि हमको मिला हुआ है। इट इज बेटर टू अर्न मनी बाय हार्ड लेबर एंड ऑनेस्टी इन स्टीड ऑफ ट्रिक्स। हमें पैसा कमाना चाहिए लेकिन किस तरीके से, मेहनत करके, एक अच्छे लीगल तरीके से कमाना चाहिए। ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए हमको किसी भी ट्रिक्स की जरूरत पड़े, किसी भी चोरी चकारी डकैती या किसी को झूठ बोलने की जरूरत पड़े। हम लोगों को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, रोजी रोटी कमानी चाहिए, ना कि ठगी करके, धोखा देकर या किसी को उल्लू बनाकर। क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है हमारा, तो सबसे बड़ा धन हमारे पास हमारा शरीर है। इस शरीर में हमारा दिमाग होता है, दिल होता है, और जिसके दिमाग और दिल में संतोष नाम का चीज होता है वो दुनिया में सबसे अमीर है। कहने का मतलब है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोषम परम सुखम। दिस इज द
डाई ट्रूथ ऑफ लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम करते हैं अगर हमारे पास धैर्य है, संतोष है, तो हमारी जो मौत होगी बहुत ही इजली होगी, बहुत आसान मौत मरेंगे हम, और कभी भी पछतावा नहीं होगा कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। और हमारे चेहरे पे मौत के बाद भी क्या होगा, सुकून होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह पोयम आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और मेरा यह पूर्ण प्रयास था कि मैं आपको सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझाता चलूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। समरी, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स और पीडीएफ्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोयम के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्ती कीजिए।